गुरदासपुर में डेंगू ने दी दस्तक। एक मरीज की पुष्टि, तीन अभिशक्ति मरीज। सेहत विभाग हुआ चौकन्ना। पंजाब के गुरदासपुर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। डेंगू से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंचने शुरू हो चुके हैं। डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी ने सेहत विभाग के भी कान खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जिले में एक मरीज की पुष्टि सेहत विभाग ने कर दी है, हालांकि तीन शक्की मरीज भी पाए गए हैं। इसके साथ ही सेहत विभाग ने डेंगू से बचने के लिए लोगों को हदायतें बरतने की सलाह भी दी है। प्रशासन का कहना है कि डेंगू पीड़ित मरीजों के लिए अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में अलग से वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू के साथ को चार सस्पेक्टेड मरीज दाखिल हुए थे, जिन्हें जो एक मरीज जरा पॉजिटिव आया, आज पंजवा दिन है, उधर कंडीशन बिल्कुल ठीक है। उस दर में आज शाम तक या कल तक ऐसी डिस्चार्ज कर दी, पेशेंट ठीक है बिल्कुल। तीन जड़े होर मरीज ने उन्होंने असी उन्होंने वास्ते सैंपल टेस्टिंग वास्ते भेजे, जिस तरह उन्होंने रिपोर्ट आएगी। वैसे सारे मरीज साढ़े को स्टेबल ने। असी डेंगू की वक्री वार्ड बनाई है, जिस उन्होंने पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया। पंजाब सरकार वालों सानू जो हदायतें ने और जो उन्होंने सहूलत सानू दी हुई है, उस हिसाब न डेंगू का इलाज बिल्कुल फ्री चल रहा है। उधर सेहत विभाग ने तीनों शक्की मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। फिलहाल प्रशासन लोगों को तो हदायतें जारी कर रहा है, पर क्या उन्होंने शहर में पड़ी गंदगी की और ध्यान दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। सुखदेव सिंह, खबर हरपल इंडिया, गुरदासपुर।